धमाकेदार एक्शन से जुड़े रहने के लिए डिशम फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सनलैंड कैलिफोर्निया, 12 साल पहले। और आपके लिए? हाँ, मेरे लिए स्टेक ले आया। ओके। और साथ में स्टेक और कॉफी चाहिए? हाँ, कॉफी भी। वेल डन। और कुछ और चाहिए आपको? थैंक यू। बस अभी लेके आती हूँ आपके लिए। आफ्टरनून। हेलो। आप यहाँ अक्सर आते हैं ना? हाँ, कभी कभी आ जाता हूँ। मेरा नाम कैथी है, बाय द वे। क्या कहा? माय नेम इज कैथी। ओह, बहुत ही अच्छा नाम है आपका वैसे। मुझे अपने सिस्टर का नाम ज्यादा पसंद है, एलेनोर। बिल्कुल लहरों की तरह। मुझे हाई स्कूल से अभी तक उस शख्स की वो पोइम याद है, वो अपनी खोई हुई एलेनोर को याद करता रहता है। क्या तुम्हें मूवीज पसंद है? मुझे हैं। मैं सोचता हूँ कि मुझे जैक निकल्सन की नई फिल्म देखनी चाहिए। तुम्हें पता है वो बहुत से अवार्ड्स जीत सकती है और ये रिवली में प्ले होगी और मेरे ख्याल से तुम अगर सैटरडे नाइट को फ्री हो तो। तुम्हारा जवाब नहीं। मुझे लगता है तुम आ सकती हो। इस सैटरडे? या आई विश मैं आ पाती, पर नहीं, मेरे कुछ प्लान्स हैं एक्चुअली। ठीक है। नहीं, फिर किसी दिन। तुम इसे भूल जाओ, तुम इसे भूल जाओ। मुझे गलत समझ रहे हैं। I'm ये दी रेवन से लॉस्ट लेनोर है, एडगर एलन पोस की लॉस्ट लेनोर। एलेनोर नहीं, तू बददिमाग लड़की। क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे दूर रहूँ? Stop it!
Stop it! Help! रुक जाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, ओए मुझे बचाओ, please रुक जाओ, मत करो ऐसे, मत करो, please, रुक जाओ, बचाओ, कोई बचाओ। तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो कैथी, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो। Portland, Oregon, present day. Hi, Mom. Hello, sweetie. मुझे ये जानना है कि तुम वहां कैसी हो? Mom, मैं अभी बात नहीं कर सकती। मुझे अभी काम के लिए जाना है। बॉस से पैसों के बारे में जरूर बात करना। मैं जरूर करूंगी। I promise, मैं आज जरूर बात करूंगी। जरूर करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे खर्चे ज्यादा नहीं उठा सकती। मैं जानती हूँ मॉम। ओके, जरूर बात करना। ओके, बाय बाय। Wendy, how's it going? Good. कहाँ जा रही हो? Vancouver, पर वहाँ जरूर बारिश हो रही होगी। At least तुम travel करती हो, मैं तो सिर्फ computer पे काम करती हूँ। Oh, अगले हफ्ते मुझे Florida जाना है 2 दिन के लिए। Nice. I hope तुम्हारा trip अच्छा रहेगा। I know, है ना? Oh, चलो मैं चलती हूँ। Bye. Bye. जेसन, ये तुम्हारे लिए। हाय मिस्टर कैशमैन, ये है वो रिपोर्ट जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। थैंक यू विंडी, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। थैंक्स सर। मैं सोच रही थी अगर आप मैं जानना चाहती हूँ, आप थोड़ा बिजी हैं। कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। जब भी तुम चाहो। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, मुझसे कम्युनिकेट करो। हे जेफ्री। हे डॉल फेस। प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम्हें पसंद है? नहीं, कम ऑन, तो कुछ कर रही हो तुम कल रात? नो। अच्छी बात है, तो डिनर साथ करते हैं कल रात 8 बजे एम्बेसी पर। ओह, ये वही जैज प्लेस है, राइट? हाँ, ये वही जैज प्लेस है। अच्छा, मुझे चलना होगा, सो मैं रखता हूँ, ठीक है? ओके, मैं आ जाऊंगी। बाय बाय।
लुसिल कार्ल्टन हर सुबह एलिजाबेथ ऑसबोर्न के साथ जॉगिंग पर जाती है। आज 5:30 बजे जब वो पहुंची, डोर ओपन, लाइट ऑन थी, सीधे घर गई और 911 डायल किया। लुसिल मानती है कि एलिजाबेथ ऑसबोर्न की मौत हो चुकी है। इनमें से किसी को भी पूरी तरह किलर से लिंक नहीं किया जा सकता, लेकिन एमओ सिमिलर हैं। इन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया गया मर्डर के बाद। फिंगरप्रिंट नहीं मिले, लेकिन एक्सपर्ट को प्राइवेट पार्ट में कुछ ग्रे हेयर्स और सीमन के नमूने मिले हैं, और इस किलर का ब्लड टाइप ए बी पॉजिटिव है। सर, ये टेप आपके लिए आया है, सुनेंगे तो अच्छा होगा। उम्मीद है आप परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे होंगे, ऑफिसर डेलगैडो। मुझे ये शानदार लगा। प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, यहाँ बहुत सी अच्छी चीजें हैं, वॉच, ज्वेलरी, मुझे और मेरे बच्चे को मत मारो। मुझे पता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, प्लीज तुम मुझे डरा रहे हो। मुझे एक और बच्चा होने वाला है, तुम एक बच्चे को हर्ट नहीं करना चाहोगे, प्लीज मुझे मत मारो। मैंने वही किया जो तुम चाहते थे। जूलियस डन के इमोशन कितने प्यारे थे ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ओ, 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 कितनी अजीब बात है, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। मुझे ग्रिफिन कहते हैं। ऑब्जेक्ट आर्ट की तरह मिसेज स्टर्न से मेरा साथ छूट गया। एक स्ट्रोक में मैंने दुनिया को खो दिया जब मैंने जूलियस डन की जान ली। डिटेक्टिव, मैं जब चाहूँ एक मिनट से भी कम टाइम में इस दुनिया को मिटा सकता हूँ। तुम्हारे पास करने के लिए तुम्हारा काम और मेरे पास मेरा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिटिल ग्रिफिन्स को पसंद करोगे। आर्ट और रिचुअल लाइफ में कितना एंजॉयमेंट भर देते हैं, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? अगर तुम मेरी फिलॉसफी को नहीं मानते तो मुझे पकड़ लेना जब मैं फिर से मर्डर करूंगा। अंदर आ जाओ। सो ऑफिसर, कैसा चल रहा है, सब ठीक है ना? कोई मोटिव नहीं मिला, विक्टिम से कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, हमारे पास ब्लड टाइप है, दैट्स इट। देखो ऑफिसर, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, चीफ काफी प्रेशर में है और उन्हें यह पसंद नहीं है, और इसीलिए मैं भी प्रेशर में हूं और मुझे ये पसंद नहीं है। और अब मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम काबिल हो, मेरी रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए मैं कुछ भी गलत नहीं चाहता, सब कुछ ठीक ठाक चाहता हूं, समझे तुम? समझ गया सर, तीनों मर्डर्स आपके एरिया में हुए, समझ गया सर। क्या कहा तुमने? मिस्टर, हमारा एरिया, ऐसा एरिया तुम्हें कहीं नहीं मिला होगा, और आपके ट्रांसफर के बाद हो सकता है नए एंगल सामने आए, शायद, और शायद जब तक रिप्लेसमेंट आए 4-5 मर्डर और हो चुके होंगे या फिर ज्यादा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ऑफिसर, ये आदमी सोचता है कि आसानी से बच जाएगा। तुम क्या चाहते हो? छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी, हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? कैसा है मेरा सुपरमैन, उसने किया? बहुत शैतान है, उसे कहना ग्रैंडपा के पास उसके लिए बड़ा सरप्राइज है। आई लव यू टू। कुछ और कैप्टन? जाओ उस दरिंदे को पकड़ कर लाओ, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूं। Thank you.
Hey, कैसा रहा सब? सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अच्छा, बेताबू सोने के लिए। मुझे रिपोर्ट वापस मिल गई। वो सोचते हैं कि ग्रिफिन वेल एजुकेटेड है, अकलमंद है, सेंसिटिव, स्टाइलिश है। उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, बहुत कम। जूलियन स्टोन के अपार्टमेंट में घुसना उसके साथ रास्ते पर चलने से ज्यादा आसान था। राइट, उनको ये भी लगता है कि ग्रिफिन हेड्स को इकट्ठा कर रहा होगा जादू टोने के लिए या फिर सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। वो शायद ब्रेन्स भी खाता होगा नॉलेज के लिए या फिर आंखें विजन के लिए। हाँ, शायद ये सब एक्सप्लेन हो सके। क्या मिल गई? रेज, यू नो, तुम अपने बॉस से रेज के बारे में बात करने वाली थी? नो, आई मीन मैंने कोशिश की लेकिन मिस्टर कैशमैन बहुत बिजी थे और वो अपने रास्ते जा रहे थे और मैं... ओह अच्छा, और वो जो तुम ओवर टाइम कर रही थी वो? आई मीन तुम डिजर्व करती हो रेज। थैंक्स। ओह वाह, डोंट वरी, एक और मौका मिलेगा तुम्हें। ओह थैंक्स। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हारे नेकलेस बाय द वे बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने नोटिस किया? वेल, उसे कौन नोटिस नहीं कर सकता। दरअसल मैं तुम्हारे लिए लेना चाहता था। मेरे पास है, सॉरी। दरअसल मैंने इसे नोटिस किया जब तुम कार से निकल के आए। क्या ये नया? मैं वॉक के लिए गई थी लंच के टाइम पे और मुझे ज्वेलरी स्टोर विंडो से ये दिखा और मैंने खरीद लिया। थोड़ा सा महंगा है पर आई थिंक तुम्हें आज रात मेरे घर रुकना चाहिए। मैं जेफरी में नहीं रुक सकती। Well, ये सिर्फ सेफ्टी रीजन के लिए है क्योंकि एक सीरियल किलर खुला घूम रहा है शहर में। I know, मुझे कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, वेल तुम्हारी गाड़ी तक तो साथ चली सकता हूँ। ओके, डिनर के लिए शुक्रिया। वेलकम।
आज रात एक यंग वुमन की बॉडी पोर्टलैंड के मल्टनुमा डिस्ट्रिक्ट से पाई गई है। पुलिस ने इसे ओरेगॉन स्टेट को दहला देने वाले मर्डर सीरीज से लिंक किया है, ग्रिफिन ने कहा है। से ही मैं तुम्हारी प्यारी गर्दन को काट के अलग कर सकता हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो। मेरी बात सुनो मिस एल्डन, वैसे तुमने दूसरी औरतों की मौत की कहानी तो सुनी होगी, पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ अगर तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। मैं कुछ भी करूंगी, जो भी तुम कहोगे, मुझे मत मारो प्लीज। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ स्पेशल वर्ड्स को रिपीट करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बिल्कुल जिंदा। अब मेरे बात रिपीट करो, यू आर फार ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन आई। तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो। मैं अंधी हूँ तुम्हारी चमक ओवरवेलम्ड और नरमी की वजह से अंधी हूँ। मैं अंधी हूँ तुम्हारी चमक और नरमी की वजह से। I'm sorry. कोई बात नहीं। No, मुझे दोबारा को। I promise इस बार बिल्कुल नहीं सहूंगी। I promise मैं तुम्हें disappoint नहीं करूंगी। मैं humble हूँ, मैं अंधी हूँ। I'm humble and I'm... My dear, तुमने बहुत अच्छा किया। Griffin बहुत खुश हुआ। I'm sorry कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तुमने मुझसे क्या झूठ बोला? यही कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ऐसा कोई चांस नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम बहुत अच्छी स्पेसिमन हो। तुम्हारा एडिशन मेरे कलेक्शन को बहुत बहुत अच्छा बना देगा। अब तुम मेरी हो मिस एल्डन, मेरी हमेशा। दस दिन पहले एलिजाबेथ ओसबॉर्न की बॉडी मिली थी, आज रात ग्रिफिन ने एक और विक्टिम को शिकार बना लिया। ग्रिफिन कहाँ है? वो हमेशा अपना कॉलिंग कार्ड छोड़कर जाता है। या, मैं फॉरेंसिक से बात करती हूँ। सबसे पहले कौन पहुंचा? मैं था ऑफिसर। मुझे गलत अलार्म मिल रहे हैं पिछले दो हफ्तों से। कौन रहता है यहाँ? मेल बॉक्स में बस एक ही नाम है, वो है कूट्सलो, जेनिफर कूट्सलो। एयरलाइंस में काम करती थी। जेनिफर कूट्सलो एयरलाइंस में काम करती थी। हेलो। अपना नाम बताओ। जेनिफर। स्टनिंग। नो, प्लीज नहीं। डोंट वरी माय डियर, तुम कितनी खूबसूरत। मैं तो बस तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था बस। अगर तुम मेरे सवाल को माइंड ना करो तो तुम्हारे जैसी चार्मिंग यंग लेडी घर पर अकेली क्यों है, बजाय इसके कि कोई डैशिंग यंग मैन
तुम्हारे साथ हो, है ना? जो चाहिए ले जाओ, प्लीज डोंट हर्ट मी। क्या है जो तुम सुन रही हो? ये ऐसा है, यू नो, कुछ ज्यादा ही लाउड है, मुझे हेडेक दे रहा है। आई वंडर अगर तुम इसे बंद कर दो तो अच्छा हो। This way, Miss Windy. Miss Windy, आप यहां बैठ सकती हैं। डिटेक्टिव डेलगाडो आपसे बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ, क्यों चाहती हो तुम जीना? क्यों मैटर करती है तुम्हारी लाइफ? तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारी एस्पिरेशंस, तुम्हारे ड्रीम्स, टेल मी। मैं नहीं चाहती क्या बोलना। वेल, अच्छा होगा कि तुम कुछ सोचो, मिस एल्टन, मिस वेल्डी एल्टन। समझ में आई मेरी बात? मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं उसके लिए मरना नहीं चाहती। मरना नहीं चाहती मैं, प्लीज मरना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती, और मैं करना चाहती हूँ प्यार। मैं नहीं जानती मैं क्या कह रही हूँ। मुझे अच्छा लगा, इस पॉल्यूटेड सिटी में तुम दूसरों की तरह तो बिल्कुल नहीं हो। तुम वंडरफुल हो, अनटच्ड, अनकरप्ट, प्योर। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तुमने क्या झूठ बोला मुझसे? यही कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ऐसा कोई चांस नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम बहुत अच्छी स्पेसिमन हो। तुम्हारा एडिशन मेरे कलेक्शन को बहुत बहुत अच्छा बना देगा। अब तुम मेरी हो, मिस एल्टन, मेरी हमेशा। कोई बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बचाओ। मिस ऑल्डन, मेरा नाम डिटेक्टिव डेलगाडो है। मैं इस केस में चीफ डिटेक्टिव हूं। काश हम और अच्छे हालात में मिले होते, लेकिन नो चॉइस। मैंने आपको टीवी पर देखा है। आपकी गर्दन कैसी है? है दर्द अभी। ऑफिसर्स मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कट ज्यादा गहरा नहीं है। सो हमें आपके अपार्टमेंट में मिला। ये आपका है? हाँ, ये मेरा है। गला घोटते हुए वायर में उलझ गया होगा। वायर? वो एक स्टील वायर था जिसके दोनों एंड्स पर हैंडल्स थे। जब वो ट्विस्ट करता था तो वो टाइट हो जाते थे। हमें लगा वो चाकू इस्तेमाल करता है। उसने बताया आप पर अटैक क्यों किया? नो।
क्या उसने कोई हिंट दी कि आप उससे पहले मिली हैं सोशली या कहीं काम की जगह पर? उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। I'm sure मैं उससे पहले कभी नहीं मिली थी। आप उसकी आवाज पहचानती हैं? नहीं, वो विस्पर कर रहा था, पर वो मेरा नाम जानता था। वो लगातार कह रहा था मिस वेंडी एल्डन और जस्ट मिस एल्डन। बहुत पोलाइट था वो। मैंने ऑफिसर्स को कहते सुना था कि किसी ने कल मेरी बिल्डिंग में मर्डर किया था। जेनिफर कर्ट्सलो, मिस ऑल्डन, प्लीज ऐसा मत बोलो। वो मुझे यही नाम से पुकारता था। प्लीज से वेंडी, मुझे बस वेंडी बोले आप। आई एम सॉरी मैम, मैं जानता हूं ये मुश्किल है। मैं बहुत नफरत करती हूँ इससे। hey, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बच गई। आप लकी हैं जो इस सबसे बच गई। मैंने चाकू मारा है उसे। वो मुझसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। आपने उसे उतना नुकसान पहुंचाया जितना उसने सोचा नहीं था। हम उसे पकड़ लेंगे और इस बीच में हम आपको बचाएंगे। हमारे ऑफिसर्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओह हेलो जेफरी, क्या हो रहा है मैन? आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतनी जल्दी उठा दिया। मुझे अपोलोजाइज करना था कि वीकेंड है और पार्टी नहीं हो रही है। क्या तुम जेफरी बुकर हो? जेफरी पॉल मैन, आई एम सॉरी मैन, रॉन्ग जेफरी। कभी कभी हो जाता है ऐसा। नहीं, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें जगा दिया। वेंडी, आपके पास कोई जगह है रहने को? मैं आपका फोन यूज कर लूं? हाय जेफरी, इट्स वेंडी। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। नहीं, मैंने बस इसलिए कॉल किया है कि मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। कुछ टाइम के लिए। हमारे ऑफिसर्स आपको वहाँ पर छोड़ देंगे। ओके, डिटेक्टिव्स ने कहा है कि जब मैं तुम्हारे साथ होंगी तो वो ऑफिसर्स को वहां पे भेज देंगे। थैंक्स, सी यू लेटर। ओके, बाय। आई थिंक आज के लिए काफी कवर कर लिया है। मैंने कुछ नोट्स ले लिए हैं। यहाँ एक रूम है जहां आप रेस्ट कर सकती हैं। ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको ड्रॉप करने से पहले आप थोड़ा रेस्ट कर सकती हैं। थैंक यू। क्या वो ठीक है? हाँ, क्योंकि वो अच्छा आदमी था। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बाद में बताऊंगी। थैंक यू ऑफिसर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, ये तो हमारी ड्यूटी है। थैंक यू। कम ऑन जेफरी, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें सुबह सुबह कॉल किया जब तुम शायद सो रहे होंगे। No, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कॉल किया। एक्चुअली तुम्हारे कॉल से पहले किसी एक रॉन्ग नंबर का कॉल आया था, उस वजह से मेरी आंख खुली। सो कोई बात नहीं। मुझे पता है इस पर बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन इस सबके पीछे ग्रिफिन है ना? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे कॉल के बाद मैंने टीवी ऑन किया और उसमें रिपोर्टर ने कहा कि
ग्रिफिन दो औरतों के मर्डर के बाद सीधा तुम्हारे अपार्टमेंट की तरफ गया और फिर तुमने कॉल किया और कहा कि पुलिस के साथ तुम्हारी वो, मुझे यकीन नहीं हुआ, वो पागल है। तुम ठीक हो ना? इस बारे में बात नहीं करना चाहती? नहीं, मुझे नहीं करनी अभी तो नहीं, शायद कल। ओके ठीक है, तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू इतना इतना सोचने के लिए। देखो तुम रेस्ट करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं नीचे हूं। आई एम ग्लैड कि तुम सेफ हो। जेफरी, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा कि ये उसने कैसे किया। तुमने साइज देखा उसका? उसका वजन तो 50 किलो के आसपास भी नहीं है। वेल, इस इंसिडेंट से तुम समझ सकते हो बात फाइट कर रहे डॉग के साइज की नहीं है। जिसमें डॉग है बात उस फाइट के साइज की है। शायद अब वो मर चुका है किसी गाड़ी के नीचे आकर। काश ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। तुम यहीं पर रुको, मैं जरूरी काम करके आता हूं। सब सामने आ जाएगा यार, मैं भी यही कहता हूं। जेफरी, जेफरी, come on.
के लिए सखी जो तुम बददिमाग लड़की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इट्स ऑल राइट, आप सेफ हैं, आप हॉस्पिटल में हैं। क्या क्या हुआ मुझे? तुमने उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी राइट? या जेफरी, सॉरी मैंने आपका कुछ सामान लेने के लिए एक फीमेल ऑफिसर को भेजा था जिसकी शायद आपको जरूरत पड़ेगी। यहां फोन भी है अगर कॉल करना हो तो। थैंक यू। हेलो। हाय मॉम, वैंटी बोल रही हूँ। तुम बहुत जल्दी में हो, क्या कोई बात है? हाँ, लेकिन अब सब ठीक है। ओके। तुम किस बारे में बात कर रही हो? बॉयफ्रेंड ट्रबल? मैंने तुमसे कहा था ना कि जेमी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उसका नाम जेफरी है मॉम। हाँ, जो भी है, उन फोटो वाले सभी लोगों को मैं जानती हूँ, अजीब कहीं के। ठीक है, इसके अलावा अब हम कर भी क्या सकते हैं? इसका क्या मतलब है मॉम? मतलब तुम अच्छी तरह से जानती हो विंदी, तुम उन बेकार लोगों को दूर नहीं कर रही हो ना, तुम्हें कोई और अच्छा ऑप्शन ढूंढना होगा। मैंने आपको कॉल किया क्योंकि मुझे आपको जरूरी बात बतानी है। क्या बात है विंदी? पैसे खत्म हो गए हैं क्या फिर से? नो। अच्छा, तुम रेस के बारे में बात करोगी जैसे मैंने कहा था। अब कोई भी 25 ईयर को नहीं लेगा, आज की डेट में कोई नहीं। मॉम मेरी बात सुनेंगी प्लीज? कभी तो मुझे सुन लिया करो मॉम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने की मॉम। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अब और कैश नहीं देने वाली, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। इसलिए क्योंकि तुम्हारी परेशानी बॉयफ्रेंड है, मुझे दूर रखो। मुझे कोई कैश नहीं चाहिए और मुझे कोई लड़के की परेशानी नहीं है। ओके, तो फिर परेशानी क्या है? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जेमी मुझे पता था, मैं जो कर सकती हूँ वो करूंगी। मैंने तुम्हें वार्न किया था पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने तुम्हें पहले दिन से ही कहा था कि वो लड़का ठीक नहीं है। मॉम 29 सालों से तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझ पर डाल रही हो, जब से डैड ने हमें छोड़ा है। मैं जानती हूँ आपको ये सब ऐसा क्यों करना पड़ा। मैंने नहीं किया। You know what? मैं आपको सुनना नहीं चाहती, बहुत सुन लिया मैंने। मैं इतनी थक चुकी हूँ आपको सुन सुन के। मॉम आप मुझे कुछ नहीं समझती है और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं आपकी है, और अगर आप नहीं समझ सकती तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या इन्हीं बातों के लिए तुमने मुझे फोन किया? अगर सच कहूं तो हाँ किया। वेल, तुम बताओ कि किस बात ने तुम्हें परेशान किया हुआ है? इसके बारे में आप न्यूज़पेपर में देखो। शायद वो कूद गया होगा। पहले भी ऐसे कई मामले देखे हैं जिसमें ड्राइवर बच जाता है। या पर अगर कूदा होगा तो उसे चोट तो लगी होगी, ज्यादा दूर नहीं होगा।
ब्रेडन, मिस ऑल्डन को पिक करने के लिए एक यूनिफॉर्म भेज दो। मैं उन्हें प्रोटेक्शन में रखना चाहता हूं जब तक ये सब सॉल्व ना हो जाए। मिस ऑल्डन, एक ऑफिसर आपको पुलिस स्टेशन तक ले जाएंगे। ओके, मैं ये चीजें ले लेती हूं। हे, हमें कोई मिला है। तुम्हारे आने से पहले मैंने हाथ लगाने को मना किया है। पलटो से। ओह नो, इट्स मिलिंस्की। ब्रेडन, तुमने मिस ऑल्डन को पिक करने किसे भेजा? ऑफिसर डेलगाडो ने सोचा कि एक अनमार्क्ड कार को यूज करने का आइडिया बहुत अच्छा रहेगा। वो न्यूयॉर्क मिनट में एक ब्लैक एंड व्हाइट के पीछे रहेंगे। प्लीज कम। आराम से लेट जाओ, मैं ध्यान से चलाऊंगा। तुम अब बाहर आ सकती हो। मुझे शहर का यह हिस्सा पसंद है। वहां मैं काम करती हूं एक्चुअली। किस तरह का काम? मैं एक बीमा कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन बुकलेट्स लिखती हूँ। आइबर एंड बांस, ये काफी बोरिंग है एक्चुअली। मुझे कुछ नया ट्राई करना होगा। hey, क्या हम ठीक जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मैंने एक न्यूज वाले को देखा जो कि हमारे पीछे लगा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ हम उसको उल्लू बनाते हैं। हेलो वेंडी, अब ध्यान से सुनो जो हम करने जा रहे हैं। पहले हम इस कार से बाहर निकलेंगे और तुम मुझे परेशान नहीं करोगी, राइट? मैं वेट कर रहा हूं माय डियर। अब चलना शुरू करो प्लीज। इस तरफ। अंदर। बहुत बढ़िया। वेंडी वेंडी, प्लीज 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 वेंडी वेंडी, तुम डरो मत, ठीक है? तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा इस बार, तो बिल्कुल नहीं। Well, मैं मानता हूं कि पिछली रात मेरे इरादे कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन फिर मैंने उसकी सिग्निफिकेंस देखी जो हम दोनों के बीच हो चुका है। मैं मानता हूं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है जो मुझे इस दुनिया की उस औरत की तरफ ले जाए जो एक काबिल औरत है। समझ रही हो ना तुम? क्या ये वही है जो तुम मुझे पिछली बार देना चाहते थे? हाँ, लेकिन अब ये बड़ी सिग्निफिकेंस की बात हो गई है। इससे पहले ये एक डेथ का मार्कर था, लेकिन अब ये मेरे प्यार का नजराना है तुम्हारे लिए। अगर तुम सीरियस हो तो मुझे जाने क्यों नहीं देते? तुम देखो, तुम अभी तक समझी नहीं कि हमारे बीच में हुआ क्या है।
Hey, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं और तुम्हारे बिलीव ना करने पर सवाल भी नहीं उठा रहा हूं। देखो ये हमें हमारी किस्मत के बारे में बता रहा है, लेकिन जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेती मैं तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दे सकता हूं। अब मेरे साथ चलो। अब प्लीज अंदर चलो। अगर तुम थोड़ा उधर खिसक जाओ तो। थैंक यू। एक्सलेंट। तो चलें। अब मुझे ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो जब मैं बात करूं। कम ऑन। अब मैं जानता हूं कि तुम जाना चाहती हो और उसके लिए तुम हर एक रास्ता ट्राई करने के बारे में सोच सकती हो, लेकिन वेंडी डियरेस्ट, ये ठीक है कि मैं तुम्हारी हर तरह से केयर कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा, लेकिन अगर तुमने किसी तरह की कोई हरकत की तो देखो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा सर काट लूं। तुम्हें समझ में आया वेंडी क्या कहा मैंने? यस। नाउ हम ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं नॉर्थ ऑन लिम्बर। हे हे वेट अ सेकंड, हम लोग बेल्ट लगाना तो भूल ही गए। नहीं, बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग करना डेंजरस होता है और ये कानून के भी खिलाफ है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो हम चले। वो आया और उसको ले गया, कहा कि वे उसे सेफ कीपिंग के लिए स्टेशन ले जा रहे हैं। मैंने उसे कुछ नहीं पूछा। वो कैसा दिखता था? वो लंबा था, ग्रे हेयर वाला, बट यू नो ऑफिसर, हर कॉप एक जैसा लगता है। थैंक यू सो मच। पार्किंग अटेंडेंट ने कहा कि वो लोग एक ग्रीन सेडान में निकले। मैंने एक एबीपी डाला है क्योंकि 3 घंटे पहले सेम डिस्क्रिप्शन वाली कार हेल्थ स्पा के सामने से गई है एट अल्बर्टी स्ट्रीट। राइट, हमने स्पा के 5 मील नॉर्थ और 5 मील साउथ की सभी अप और डाउन अनमार्क्ड गाड़ियों को अच्छी तरह चेक किया। गाड़ी डिच भी कर सकता है? वो गाड़ी को डिच करेगा। ऑलराइट, तो किसी भी सस्पिशियस गाड़ी के लिए सभी स्ट्रीट्स को चेक करो, सिर्फ ग्रीन कार नहीं। वैसे तुम्हें ये गाना पसंद है? Yes. हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। देखो हम में कितना कुछ कॉमन है ना? Well, मुझे खुशी है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को लाउंज में सुलाया। वो अच्छा काम किया तुमने। हम तुम्हारी जनरेशन की ज्यादातर औरतें बिल्कुल जानवरों की तरह हो गई हैं। मैंने उसे सोफे पर नहीं सुलाया, उसने खुद ऐसा किया क्योंकि वो एक जेंटलमैन था। हो सकता है वो ऐसा बस दिखाने की कोशिश कर रहा हो, मर्द ऐसा करते हैं। तुम्हें पता है वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो तुम्हारे दोस्त हो, जब वो तुमसे सबसे ज्यादा कुछ चाहते हैं, यू नो। या जानती हूँ। तो क्या तुम अभी वही कर रहे हो? वेंडी, मैं तुम्हें चाहता हूँ। डेब्रा मॉरिस का मर्डर हुआ जब उसने रिंग खरीदी। वेंडी ऑल्डन पर अटैक तब हुआ जब उसने नेकलेस खरीदा। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक सभी औरतों की डिटेल्स हमारे पास है, लेकिन जेनिफर के नाम से यहाँ कोई नहीं है। तुम बता सकते हो इनमें से किसी ने अगर कोई रीसेंट परचेजेस की है? क्यों नहीं, मुझे जरा चेक करने दीजिए। मिसेस स्टर ने नवंबर में एक वॉच परचेज की थी, मिस मॉरिस ने जनवरी में एक रिंग ली, और फिर मिस ऑसबॉर्न ने कई डेज पर अलग अलग परचेजिंग की है, और आखिरी थी 3 मार्च एक ब्रेसलेट, और मिस एल्डन ने 2 दिन पहले एक नेकलेस परचेज किया था। क्या वो सेल्स तुमने की थी? नो, मिस्टर रूड ने ये सेल्स पूरी की है। तो मिस्टर रूड आपके साथ कब से काम कर रहे हैं? वो हमारे साथ काफी सालों से है, वो हमारा एक भरोसे का आदमी है। वो उन छोटी रिस्ट वॉच बैटरी के साथ बहुत अच्छा है, उसके हाथ बड़े हैं लेकिन नाजुक टच है। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं?
Well, आज वो यहाँ नहीं है। क्यों? कुछ ज्यादा नहीं, बस आज कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हमें मिस्टर रूड का एड्रेस मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। देखो, हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई पार्टनरशिप, जिसके बाद हम दोनों में से कोई भी अकेला नहीं रहेगा। तुम समझ रही हो ना? जहां कुछ भी चीप या कैजुअल या मीनिंगलेस नहीं होगा। मैं जो कुछ चाहता हूं वेंडी, मैं उससे कम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चाहता। तुम आज रात देखो कि हमारी मंजिल बस आ ही गई है, तो ध्यान रखो तुम्हें आगे से लेफ्ट टर्न लेना है। ओके? क्यों, क्या होने जा रहा है आज रात? वो सरप्राइज है। देखो, थोड़ा चलकर वहां जाकर क्या तुम लेफ्ट को जाओगी? ओके, ब्लिंकर वेंडी। किस तरह का सरप्राइज? कुछ भी खराब नहीं, मतलब सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, यू नो, दैट्स ऑल। मे बी मोर, मे बी मोर लवर्स वेंडी। मैं प्रॉमिस करता हूं, जब तुम मेरी पावर और मेरा पैशन जान जाओगी तो प्यार करोगी। थोड़ा आगे यार। तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी है। क्लियर। जीसस, वो हमारी नाक के नीचे था। देखते हैं हमें क्या मिलता है। यही वो जगह है? हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो मैंने ये प्लॉट परचेज किया था, मेरी खुद की छुपने की जगह। तुम मेरी पहले गेस्ट हो और यहां से भागने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जा सकते। कम ऑन नाउ, यहां पर कोई घर नहीं है, लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। तो वो करो जो मैं कहता हूं। ओके, मुझे कार से कुछ निकालना है, रुको। अगर तुम माइंड ना करो तो तुम ये बैग ले सकती हो, और प्लीज इन्हें गिरा मत देना, मैं बुरी तरह से अपसेट हूं। दिस इज इट वेंडी, तुम्हारा नया घर। कम ऑन, ध्यान से, यहां थोड़ा कीचड़ है। क्या तुम पैसे के बारे में सोच रही? नहीं। हे, जब मैंने कहा पैसा तुम्हारे ख्यालों में है तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। ये एक रूल है, एक तरह का लवर्स रूल। मैं बस सोच रही थी कि इस जगह को एक औरत की जरूरत है। इसीलिए तो तुम यहां हो एंडी, तुमने इस जगह को स्पेशल बना दिया है। मैं ये ले लेता हूं। क्या तुमने मुझे पहचाना? द नेकलेस एट द ज्वेलरी स्टोर, कैन आई हेल्प यू? बुरी बात है, तुम समझ नहीं पाई अभी तक। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक नई और ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदूंगा, और वो ड्रेस तुम मेरे लिए पहन सकती हो। मजा आएगा ना? अच्छा, एक मिनट, मैं लंच के लिए कुछ तैयार करता हूं। लेकिन तुम्हें कुछ काम भी करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन यह ज्यादा नहीं चलेगा, वो कुछ ज्यादा फैंसी बिल्कुल नहीं होगा। I'm sure ये अच्छा रहेगा। मैं उतना टेस्टी नहीं हूं जितनी तुम लग रही हो। मैं शर्त लगा सकता हूं तुम अच्छी कुक हो। नहीं, कुछ खास नहीं। Come on, तुम मॉडेस्ट बन रही हो। मैं जानता हूं कि तुम अच्छी कुक हो, तुम कुक कर सकती हो। कम ऑन।
हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझे शूट नहीं करोगी, तुम इसे एडमिट नहीं करना चाह रही हो, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है इसलिए गन दे दो और बंद करो ये पागल। अपने हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर उठाओ वरना उड़ा दूंगी, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। Damn it! You stupid! Bad job! I'm sorry. तुम लकी हो, वो अभी तक फाइन है, वो अभी तक ब्यूटीफुल है। वेल ऑफ कोर्स इतनी ब्यूटीफुल नहीं जितनी तुम। तुम सच में मुझे शूट करने जा रही थी ना? I'm sorry. ऐसा मत कहो वेंडी, याद रखो प्यार का मतलब है कि तुम कभी नहीं बोलोगे सॉरी। मैंने माफी मांगने को नहीं कहा था, मैं तो बस सिंपली जानना चाहता था कि तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो। मैंने कहा आई लव यू, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? यस, मैं तो बस मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। हाँ मैं जानता हूं, वो सभी हैं, उनको डरना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक कि तुम इसे नेसेसरी ना बना दो। आई एम सॉरी कि मैं अपना टेंपर खो रहा हूं, मुझे तुमसे वो खराब वर्ड्स नहीं कहने चाहिए थे, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं अपसेट था, दैट्स ऑल। मैं श्योर हूं वेंडी। फ्रेंड्स अगेन? हाँ फ्रेंड्स। आई एम ग्लैड, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए वेंडी कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से अपने ये स्टंट्स दिखाओ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैं नहीं चाहता हूं। वो क्या है? Well, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कुछ और मुश्किलें खड़ी करो वेंडी। तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा कि आई लव यू, नहीं तो तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाती। अच्छा अच्छा, उस लंच के बारे में क्या जिसका मैंने प्रॉमिस किया? मेविस, या वो मिल गया, वो ब्राउन वॉटसन चला रहा है, प्लेट और रजिस्ट्रेशन मिल गए, लेट्स गो। लंच लग गया है। खाने के लिए मुझे मेरे हाथ फ्री चाहिए। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, मुंह खोलो। नहीं ऐसे नहीं, खाओ। नहीं खा पाऊंगी, नहीं खा पाऊंगी मैं। कम ऑन कम ऑन, नहीं कम ऑन। अच्छा तुम्हें कुछ सोडा चाहिए इसके लिए? क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं नहीं खा सकती। वेंडी तुम्हें ये खाना होगा वेंडी, ऐसा होता था जब तुम एक नॉटी बच्ची थी, यू नो, सो कम ऑन थोड़ा और खाओ प्लीज। नो, नहीं खा पाऊंगी मैं, मुझे भूख नहीं है।
वेंडी, मैं काफी परेशान हो गया हूँ तुम्हें लंच कराने में, और अब तुम अनग्रेटफुल हो रही हो। मैं नहीं हो रही अनग्रेटफुल। ऑलराइट, सुनो मैं जो कह रहा हूँ, हम एक गेम खेलेंगे जिसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसे कैसे खाते। नाउ दिस इज अ ट्रेन और ये एक टनल है। हियर वी गो। ओहो, हियर वी गो, कम ऑन, देयर यू गो। This is really nice, Mandy. ये कितना pleasant है कि एक beautiful woman के साथ खाना शेयर करना। मैं ऐसा करने की आदत डाल सकता हूँ। बस थोड़ा सा सोडा बचा है, तुम्हें चाहिए? Sure. ये लो। ओह डियर, सिली मी, मैं इसे फिक्स करता हूँ। देयर वी गो, देयर वी गो, ओके। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा था हम लवर्स बनेंगे, ये बहुत अच्छा होगा। I don't think so. हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना चाहिए। Better first. ऐसा करने के लिए टाइम मिलेगा बाद में। लेकिन ये बहुत जल्दी हो रहा है। उस सरप्राइज का क्या हुआ? आज रात वाले सरप्राइज का क्या हुआ? अब मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता वेंडी। असलियत में तुम भी तो नहीं कर सकती। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। I love you, Wendy. And you love me too. Right. Oh. Wendy, come on, इसे काट दो Wendy, please. God damn it, इसे काट दो Wendy. Come on. Please God, this is my time. Come on. This is my time. Please God. It's you. You. तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? तुम गंदी हो। तुम सोचती हो तुम मेरे साथ ये कर पाओगी? मैं तुम्हें मार सकता हूं, समझे? मैंने कुछ नहीं किया। झूठी! तुम कोशिश कर रही हो मुझे पीक करने की, और तुम कोशिश कर रही हो मेरी पावर लेने की। लगता है हमारे बीच ये सब ठीक नहीं रहने वाला, और मैंने इसे ट्राई भी किया। मैंने तुम्हें खुद को प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी, हर अपॉर्चुनिटी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। मैंने सब कुछ किया जो तुमने मुझे कहा। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तुमने मेरे साथ मजाक किया, समझी तुम? तुम अपनी गंदी ट्रिक्स लगा रही हो मुझे वीक करने के लिए। तुम कोई स्पेशल नहीं हो, तुम और कुछ नहीं बल्कि एक गंदी औरत हो, समझी? दूसरी सभी औरतों की तरह। मैं तुमसे नफरत करता हूं, और तुम नहीं बचोगी जिंदा। ए डेलगाडो बोल रहा हूं, हमें चॉपर चाहिए अभी।
फैमिली एक शो प्रेजेंट करता हूं एंडी, और उम्मीद है कि तुम इसे लाइक करोगी, जो कि तुम्हारा लास्ट शो होगा जो तुम देखोगी। थैंक्स। क्या हम नीचे उतरे सर? वहीं पर रुको, हमारे आने का वेट करो, लैंड मत करना। कॉपी दैट सर, हम रास्ते में हैं। मैंने बैकअप के लिए पहले ही कह दिया। तो तुम क्या सोचती हो वेंडी, क्या वो टैलेंटेड थी, मेरी फोर ब्यूटीज, और क्या उनका शो वंडरफुल नहीं था? यू नो, कई बार मैं पूरी रात जागकर उनके साथ खेलता था। मेरे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स मेरी इन ब्यूटीफुल लेडीज के साथ गुजरे, मेरी फोर ब्यूटीफुल लेडीज। और जल्दी ही तुम उनको ज्वाइन करने वाली हो। मेरे पास स्पेशल जार है सिर्फ तुम्हारे लिए, ऑनर की एक जगह। बस इसके बारे में सोचो वेंडी, जल्दी ही तुम मेरे शो की स्टार बन जाओगी। नॉर्मली मेरे विक्टिम्स मर जाते हैं जब मैं अपनी ट्रॉफी लेता हूं, लेकिन इस बार नहीं है। मैं एक नई टेक्निक ट्राई कर रहा हूं, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा और तुम फिर भी जिंदा रहोगी। ग्रिफिन ने आज एक और विक्टिम को क्लेम किया है डिटेक्टिव, द लवलीएस्ट वन ऑफ ऑल। मेविस, तुम ठीक हो? या मैं ठीक हूँ, आई एम गुड। हथकड़ी लगाओ। वेंडी, वेंडी,
वो पकड़ा गया। मैं अब तक बहुत स्ट्रांग थी, जब तक ये खत्म नहीं हो गया। वेंडी, वो पकड़ा गया। Three weeks later. So, क्या ये normal पुलिस protocol है? क्या? तुम इस तरह से मेरे साथ मेरा time ले रहे हो? You know, Wendy, 2 साल पहले मेरी life में भी कोई था, लेकिन मेरे पास उसके लिए time ही नहीं था। अपने काम को लेकर बहुत busy रहता था। अजीब है, मैंने पढ़ा था कि लोगों का कहना था कि वो बहुत ही क्वाइट और पोलाइट था। या अपेरेंटली उसका बचपन अच्छा नहीं बीता। ये सुनने में काफी अजीब लगेगा कि मैंने हमेशा उससे सिंपथाइज किया। उसकी तरह ही मेरा बचपन कोई ज्यादा अच्छा नहीं था और मैंने सोचा था कि कभी चेंज नहीं होगा, अभी तक भी नहीं। उसने मुझे ये दिया, मैं इसे अपने साथ रखना चाहूंगी। श्योर। क्या तुम हमेशा से कॉप बनना चाहते थे? जब मैं छोटा था तो पेरेंट्स मुझे और मेरे भाई को वेगस ले गए, हमें कैसीनो में बंद कर दिया। हम बाथरूम तब जाते थे जब वो स्लॉट्स में काम करते थे। मैं स्टॉल में ही था जब मैंने सुनी वो चीख। मैंने बाहर देखा और देखा एक आदमी जिसका हाथ मेरे भाई के मुंह पर था, वो उसकी गर्दन को मोड़ रहा था। मैंने वो सब देखा। उसने मेरे भाई की गर्दन काट दी एक चाकू से। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं डर गया था। I'm sorry. क्या वो पकड़ा गया? हाँ, उसे 8 साल की कैद हुई, लेकिन 6 साल में ही बाहर आ गया गुड बिहेवियर के लिए। Hey Franklin, तुम्हारा जवाब नहीं यार। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुमने उन दोनों लड़कियों को कैसे मारा होगा। तुम्हारी मॉम यहां तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं है। देखो इस बुड्ढे का किस तरह से मुस्कुरा रहा है। ये अभी भी लड़कियों के बारे में सोच रहा है। सुन रहा है ना तू? Hey, shut your mouth. अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तेरा मुंह तोड़कर तेरे हाथ में दे देता बुड्ढे कहीं के। तू ना मुझे बाहर मिलियो, मैं बताता हूँ कैसे मारते हैं। मैं भी तो देखूं कितना दम है तेरे अंदर। Hey, सुनो, अपनी बकवास बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें यहां से बाहर फेंक दूंगा। ए, क्या हो रहा है उधर? यार मुझे भी तो साथ ले चलो। क्यों, क्या बोलते हो?
कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। वेंडी, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? मैं कोर्टरूम में था, रूट वहां पर हेयरिंग के लिए नहीं पहुंचा और जो ऑफिसर उसके साथ थे उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। थैंक यू। वेंडी एल्डन, कम्युनिकेशंस डाउन द हॉल राइट। वेंडी, वेंडी तुम सुन रही हो? ओ यहाँ है, ओ माय गॉड, ओ यहाँ है। नो, वो गोलियां खत्म वेंडी। गर्दन अब मेरे हाथ में है और तुम्हारी विंड पाइप दबाते ही मैं तुम्हें मार डालूंगी। No. मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ, तुम मेरे लिए कुछ वर्ड्स कहोगे, सिर्फ मेरे लिए, समझे तुम? तो सुनो, अब जो मैं कहती हूँ रिपीट करोगे? मुझ में कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, बोलो। मेरे पास नहीं है, मैं कोई गॉड नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं नहीं हूं गॉड, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। Now, I'm going to say that the sun is going to be on the corner.
Have you ever tasted?